आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राज नारायण मिश्रा के बारे में, जिन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंका। उन पर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के जुर्म में मुकदमा चला और उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी राज नारायण मिश्रा को भी याद कर रहे हैं, जो 9 दिसंबर 1944 को शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले राज नारायण समाजवाद में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अपने समूह के साथ ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर छापों का नेतृत्व किया। राज नारायण पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव क्षेत्र में क्रांतिकारी छापे का आरोप लगाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ सेंट्रल जेल में वे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। हम इस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं।